हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर को, जो हुआ था 1764 में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिलाकर सिराजुद्दीन दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया था, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था 1757 में। मीर जाफर बंगाल का नवाब तो बन गया था, लेकिन वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में एक कठपुतली की तरह ही काम कर रहा था। बेचारा उनकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा था, लेकिन ईस्ट इंडिया की कंपनी की डिमांड्स थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन पर दिन वो बढ़ती ही जा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा पाने के लिए उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में बुलाया कि जी आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से कैसे भी करके बाहर निकालिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि चलो बंगाल में एक लीडिंग कमर्शियल कंपनी बनने का इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता है। और मीर जाफर ने सोचा होगा कि दोनों कंपनीज को आपस में लड़वा देता हूँ और बैठ के मस्त तमाशा देखूँगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी लेकर आ रही है बंगाल में, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रूप्स चिनसुरा भेजे। चिनसुरा कलकत्ता के पास एक जगह है, यहीं पर बैटल ऑफ चिनसुरा हुई, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के भगा दिया। इस बैटल के बाद ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर से बोला कि भाई मीर जाफर, हमने तुझे बंगाल का नवाब बनाया और तूने हम पर ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी से अटैक करवा दिया, ये गलती तो माफ़ नहीं की जाएगी। तो इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से पूछा कि भाई तुझे नवाब बना दें, बातें माना करेगा हमारी? ऑब्वियसली नवाब बनने के लिए उसने सारी शर्तें मान ली होंगी, और ऐसे बंगाल का नवाब अब मीर कासिम हो गया। मीर कासिम पहले तो ब्रिटिशर्स की डिमांड्स पूरी करता रहा, लेकिन बाद में उसे समझ आई कि ब्रिटिशर्स की बात मानता रहा तो एक दिन पूरे बंगाल का खजाना ख़त्म हो जाएगा, और वो दिन भी दूर नहीं है जब ब्रिटिशर्स उसके हाथ में भी कटोरा थमा देंगे। इसी बीच पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव वापस अपने देश इंग्लैंड में चले गए हैं। वहाँ पहुँचने पर ब्रिटेन की सरकार ने उनका बढ़िया वेलकम किया, बहुत स्वागत हुआ उनका वहाँ पर। ऑक्सफोर्ड कॉलेज ने उसे डॉक्टरेट की डिग्री भी दे दी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव ग्रेजुएट भी नहीं था। खैर, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए रॉबर्ट क्लाइव को अपनी छुट्टियाँ मनाने देते हैं इंग्लैंड में। हम लोग वापस से देखते हैं कि बंगाल में क्या चल रहा था उस वक्त। तो मीर कासिम परेशान हो चुका था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार कुछ ना कुछ डिमांड्स लेके आती रहती थी, और साथ ही मीर कासिम के काम में दखलअंदाजी करती जा रही थी। तो भाई वो भी बंगाल का नवाब है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ऐसे तो नहीं चल सकता कि वो रात दिन थाली लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की आरती उतारता रहे। इस सिचुएशन में मीर कासिम ने कुछ फैसले लिए। उसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर आजकल के बिहार में आता है, बट उस टाइम पर तो बिहार भी बंगाल का ही पार्ट था। कैपिटल शिफ्ट करने का मेन मकसद ये था कि ब्रिटिशर्स से कुछ दूरी बनाई जाए। मुंगेर और मुर्शिदाबाद में लगभग 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो थोड़ी दूरी रहेगी, इंटरफेरेंस भी कम रहेगा और दिमाग भी चलेगा। दूसरा काम मीर कासिम ने ये किया कि बाहर के देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग करवाई, और साथ ही गन फैक्ट्रीज भी शुरू कर दी वेपन्स बनाने के लिए। अब उसका कॉन्फिडेंस भी हाई था। अब उसने सोचा कि वो ब्रिटिशर्स को लाइन पे ला सकता है। उसको ये तो पता ही था कि ब्रिटिशर्स तो टैक्स देते ही नहीं है। ये हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, जहाँ पे मुगल एम्परर फारूक शियार ने एक फरमान जारी किया था जिससे ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना है, और सिराजुद्दीन दौला भी इसी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में उसके साथ फंस गया, और फाइनली अंग्रेज़ों ने उसका मुँह भी बंद कर दिया। और दूसरी तरफ जो बंगाल के लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, बेसिकली उन्हें तो 40% तक टैक्स देना पड़ता था, तो वो तो बेचारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपटीशन कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी तो रात दिन तरक्की कर रही थी और अपने लोकल ट्रेडर्स का बुरा हाल था। मीर कासिम ने सोचा कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस में नुकसान होने लग जाए तो वो अपने आप देश छोड़कर भाग जाएंगे। उसने बंगाल में सबके लिए टैक्स ज़ीरो कर दिया, ताकि कॉम्पिटिशन बढ़ जाए और लोकल ट्रेडर्स को भी फ़ायदा हो और ब्रिटिशर्स को कुछ नुकसान हो, कुछ कंपटीशन झेलना पड़ जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर कासिम की ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उन्होंने बोला कि भाई नवाब तुझे हमने बनाया,
और तू काम ऐसे ऐसे करेगा, ज्ञान भी हमें ही बांटेगा, हमारी बिल्ली और हमें ही आंखें दिखा रही है। अब इस सब के बाद लड़ाई तो बनती थी और तीन छोटी मोटी बैटल हुई भी मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। मीर कासिम पिट पिटाकर अवध के नवाब सुजाउद्दीन के पास पहुंचा। बोला, भाई कुछ हेल्प करोगे? सुजाउद्दीन ने बोला कि हाँ हाँ आओ आओ, हेल्प करेंगे आपके। ये बात उड़ते उड़ते उस टाइम के मुगल एम्परर शाह आलम टू के पास भी पहुंची कि अवध और बंगाल के नवाब साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुगल एम्परर शाह आलम टू ने कहा कि भाई मुझे भी साथ ले लो, मैं भी चले चलता हूँ तुम्हारे साथ। मीर कासिम ने कहा कि आइडिया बुरा नहीं है, अब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि तीनों की फ़ौज मिला के तो 40,000 सोल्जर्स हो जाएगी, जो कि ब्रिटिशर्स की फ़ौज से तो ऑलमोस्ट चार गुना बड़ी है। ये लोग 1764 में बक्सर, जो कि बिहार का पार्ट है, वहाँ पहुँचे। उधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी फ़ौज लेकर आ गई। अब क्योंकि उस टाइम पर रॉबर्ट क्लाइव तो इंग्लैंड में छुट्टी मना रहे थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 10,000 सोल्जर्स की कमांड संभाल रहे थे हेक्टर मुनरो। बैटल ऑफ बक्सर हार्डली 3-4 घंटे चली थी, बट मीर कासिम तो बीच में गायब ही हो गया और अपने मुगल एम्परर शाह आलम टू ने सरेंडर कर दिया। साथ ही अवध के नवाब ने भी सरेंडर कर दिया। बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी आसानी से जीत लिया। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में वापस आ गया 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव आते ही शाह आलम टू के साथ मिला। उसने बोला कि आप अपने साथियों को लेकर अलाहाबाद पहुंचिए, वहीं पर हम लोग ट्रीटी साइन करवाएंगे आपसे। शाह आलम टू ने कहा कि जी एक साथी तो हमारा गायब है। क्लाइव बोला, जो बचे कुचे साथी हैं उन्हें लेके पहुंचो आप। तो अलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन कर दी शाह आलम टू और शुजाउद्दीन के साथ। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दीन से बोला कि भाई तेरा अवध जो है वो मैं तुझे वापस कर दूंगा, पर तू जो है मुझे कोरा और अलाहाबाद दे दे। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दीन से बोला कि भाई बैटल ऑफ बक्सर में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पैसा खर्च हो गया है, इसकी भरपाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जिम्मेदार तो तुम ही हो। तो शुजाउद्दीन को 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़े। तो रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दीन को एक ऑफर और दिया कि अब जो है तुम्हें आर्मी वार्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाएगी, और हाँ ये सर्विस जो है वो फ्री नहीं है, इसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। सुरक्षा चाहिए तो पैसा देते जाओ, हर महीने टाइम पे पैसा मिलता रहेगा तो सब अच्छा चलता रहेगा तुम्हारा। अब बारी आई शाह आलम टू की। क्लाइव ने बोला कि अरे आलम साहब, अब आगे का क्या प्लान है आपका, कहाँ रहेंगे आप? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कोरा और अलाहाबाद शाह आलम टू को दे दिया और बोला कि इसके बदले आप जो है मुझे बंगाल, उड़ीसा और बिहार के दीवानी राइट्स दे दीजिए। बस दीवानी राइट्स का मतलब है कि अब से बंगाल, उड़ीसा और बिहार का पूरा टैक्स कलेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तो आप लोग देख रहे हो ना कि बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अभी तक लोगों को सिर्फ ये परेशानी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है, बट बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो टैक्स की वसूली भी करने लग गई। कमाल है। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करने का आइडिया बुरा नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।